तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं, जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश द टाइगर किंग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को रिवील करने वाले। माफ़ करिएगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको हम बता देने वाले इस वीडियो में जो आपके एग्ज़ाम 2025 में 100% आएंगे, उन्हीं में से आएंगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। और वह भी हर एक क्वेश्चन का हम दोस्तों आपको आंसर भी बताएंगे, इस तरीके से हर एक क्वेश्चंस को आपको समझाते चलेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर भी का समरी भी दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या, ये भी आप दोस्तों समझ जाने वाले हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर द टाइगर किंग का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। इस चैप्टर में पता है क्या होता है, सबसे पहले एक बच्चा जन्म लेता है एक राजघराने में। अब जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो काफ़ी सारे पंडित घिरे रहते हैं, पंडित मतलब कि जो प्रेडिक्शन करते हैं, वही एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताते हैं कि बच्चा महाराजा की तरफ तेजवान होगा कि नहीं, वो भी आगे अपने कुल को बढ़ाएगा कि नहीं, अपने वंश का नाम रोशन करेगा कि नहीं, ये सब एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्लियर। तो पहला एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है कि अरे भाई, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आगे जाकर जो इसकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है। अब उसके पिता ने बोले, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? तो उसने बताया कि क्योंकि जिस समय पर ये पैदा हुआ है वह समय क्या है, बुल का समय है, हावर ऑफ बुल है भाई। अब ये क्या है हावर ऑफ बुल, मुझे नहीं पता, आपको समझा रहे केवल जो स्टोरी में बताया गया है। जिस समय पर वो पैदा हुआ है वो कौन सा समय है, हावर ऑफ बुल है वो समय, और बुल और टाइगर आपस में क्या है, दुश्मन है, इसलिए टाइगर ही इसको मारेगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग होता है। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा है ना कि हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, हाउ वाज ही नेम्ड इट, यानी कि उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा स्टूडेंट्स, ठीक है, समझिए बात को। अब बच्चा ही जो है ना, उसी का ही नाम टाइगर किंग है। आखिर क्यों उसका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्योंकि भाई वो आगे चलकर टाइगर को मारता है, जी हाँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करता है ना कि इसकी मृत्यु, इसका जो डेट है, डेट वह किससे होगा दोस्तों, टाइगर से होगा। तो पढ़िए आंसर, द किंग ऑफ प्रतिबंध पूरम वाज रेफर्ड अस टाइगर किंग, यानी कि जो देश की राज्य की हम बात कर रहे हैं वह प्रतिबंध पूरम, क्लियर। और इसी का ही दोस्तों जो राजा है ना किंग, वही टाइगर किंग आपका होता है, जो बच्चा स्टार्टिंग में पैदा हुआ। एंड ही गोट दिस नेम, उसको यह नाम मिला बिकॉज, क्योंकि ही वाज, वैन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ, वही कहानी है, व्हेन ही वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ, ए प्रेडिक्शन वाज गिवेन बाय एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, एक प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी किया, डैट हिज डेट वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से ही आएगी, टाइगर ही उसके मृत्यु का कारण बनेगा, इसलिए दोस्तों वह बच्चा बड़ा होकर सारे टाइगर को मारने चला जाता है, जितने भी सारे टाइगर है सबको खटाखट मारते जाता है, जिससे कि कोई टाइगर बचे ही ना, क्लियर। तो उसने दोस्तों 100 टाइगर मारने का प्रतिज्ञा लिया था, 100 टाइगर मारने का प्रतिज्ञा लिया था, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि 100वां टाइगर क्या करेगा, मारेगा राजा को। बाद में एस्ट्रोलॉजर बाद में और प्रेडिक्ट करता है, कुछ सालों बाद जब राजा बड़ा होकर फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि अच्छा तुम कह रहे हो कि टाइगर मुझे मारेगा, एस्ट्रोलॉजर कहता है हाँ भाई कुछ शक, लेकिन फिर राजा कहता है कि अब मैं पूरे टाइगर को ही मार दूंगा, अब ना राइट टाइगर रहेगा ना तुम्हारी भविष्यवाणी सच होगी। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अच्छा चलाक बन रहे हो, तुम जितनों टाइगर मार दो, लेकिन जो 100वां टाइगर है ना वो तुम्हारे मृत्यु कारण बनेगा। तब राजा प्रतिज्ञा करता है कि चलो ठीक है, हम 100 टाइगर को मार के तुम्हारा भविष्यवाणी गलत करेंगे, ये है पूरा स्टोरी। तो यहाँ पर आगे वही हमने लिखा है कि ही किल्ड 99 टाइगर, उस राजा ने क्या किया, 99 टाइगर को मार दिया, लेकिन जो उसकी मृत्यु है ना वह अकर, हिज डेट अकर्ड ड्यू टू ए वुडन टॉय टाइगर, उसकी मृत्यु क्या हुई दोस्तों, किससे हुई, 100वें टाइगर से, लेकिन टाइगर तो था लेकिन वो कैसा था, वुडन टॉय टाइगर था, यानी खिलौने का टाइगर था। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको वीडियो इन तक देखना है ताकि स्टोरी आपको समझ में आ जाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप समझ जाए, क्लियर। और इन सभी का चिंता मत करें, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा, अभी आप समझते चले।
आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे आपके लिए अगर आपने स्टोरी को रिकॉल कर लिया है प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सारे बहुत बार रिपीटेड हो रहे हैं एग्जाम में, अगले साल भी इन्हीं में से ही आएंगे, इसलिए आपसे कह रहे अच्छे से समझते चले स्टोरी भी क्वेश्चंस भी। दूसरा है कि व्हाट वाज रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल था इस कहानी में द टाइगर किंग वाले, ठीक है। और यही सवाल देखिए इस तरीके से पूछा गया, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, यानी एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया। देखिए अब आपको समझ में आया, जब हमने आपको स्टार्टिंग में पूरा स्टोरी बताया कैसे वही में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे, जो जो हमने आपको मेन पॉइंट्स बताया स्टोरी में उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछ दिया कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन किया। आपको समझाया ना कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, क्यों, क्योंकि वह हावर ऑफ बुल में पैदा हुए हैं, ठीक है। और वही सब हमने लिखा हुआ है, द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी इस टाइगर किंग वाली स्टोरी में जो एस्ट्रोलॉजर का यह दोस्तों रोल था, क्या रोल था, टू प्रेडिक्ट दैट क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन हावर ऑफ बुल, जो हमारे ताज प्रिंस है ना, वह पैदा हुए हैं हावर ऑफ बुल, यानी कि बुल के समय में, बुल का ये समय चल रहा है, ठीक है। सिंस द बुल एंड टाइगर आर बोथ कोर एनिमी, जो हमारे बुल है और टाइगर है दोनों कोर एनिमी, एक दूसरे के एनिमी है, दुश्मन है, इसलिए दोस्तों द किंग वुड बी सटनली किल्ड बाई ए टाइगर, इसलिए ये राजा आपका टाइगर के ही द्वारा मरेगा, क्योंकि यह दोनों दुश्मन है तो ये इसको मारेगा जरूर जो इसके समय में पैदा हुआ है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, अगर आपने स्टोरी समझा फिर आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, आपको कि ये सब हमें पता है, बस चीज़ों को इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ जाओगे आप सभी, इसलिए हम आपको स्टोरी समझा रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाइएगा शेयर के बटन पर क्लिक करके, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करके जुड़ जाइए। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, क्या है क्वेश्चन हमारे लिए सर, हमारे लिए, हाँ आपके लिए है क्वेश्चन, पूछा गया है दोस्तों ये वाला, व्हाई डिड द महाराजा स्टार्ट हंटिंग टाइगर, यानी कि जो महाराजा है वो हंटिंग टाइगर का हंटिंग क्यों शुरू करते हैं। ऐसा वैसा सवाल नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है कि आपके लिए, इतना हमने आपको मेहनत समझाया इसका आंसर लिखने के लिए, इन दो क्वेश्चन का आंसर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें पूछा है कि टाइगर महाराजा ने हंटिंग क्यों किया, टाइगर का हंटिंग क्यों शुरू किया, कारण आपको सामने लिख बताया हमने ना कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि उनकी मृत्यु टाइगर से होंगी, और स्टूडेंट्स तो जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन को गलत साबित करने के लिए सारे टाइगर का हंटिंग स्टार्ट कर दिया, बस यही आपको इंग्लिश में लिख देना है, समझ गए आप सभी ना। तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और अब जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, ये बहुत ही स्टूडेंट्स आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप सभी, टाइगर किंग आपका मैरी क्यों करना चाहता था, क्यों उसने डिसाइड किया कि चलो आप शादी करते हैं, इसका कारण बताएं आपको। देखिए चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलिए टाइगर किंग ने क्या किया, प्रतिज्ञा ले लिया कि 100 टाइगर को मारेंगे। अब प्रतिबंधपुरम में ये रहता था, वहाँ पर 100 टाइगर नहीं थे, वहाँ पर इसने 70 टाइगर मार दिए, फिर कहीं टाइगर दिख ही नहीं रहा है उसको प्रतिबंधपुरम में, तो इसने सोचा कि चलो अब शादी करते हैं, जिस राज्य की लड़की से शादी करेंगे फिर उस राज्य में जाकर वहाँ पे 30 टाइगर और मार देंगे तो हमारा प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगा, यह इसका जो सोच था, ठीक है, इसलिए ये शादी करना डिसाइड किया। तो वही हमने लिखा है, द टाइगर किंग हैड टू किल्ड 100 टाइगर, 100 टाइगर मारने थे टू प्रूव रॉन्ग टू एस्ट्रोलॉजर स्टेटमेंट, बट ही स्टिल किल्ड 70 टाइगर, लेकिन वह अभी तक केवल 70 ही टाइगर मार पाया, इसलिए उसने डिसाइड किया मैरिज करने का एक लड़की से, फ्रॉम मोर पॉपुलेशन टाइगर स्टेट, ऐसे स्टेट की लड़की से जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, भाई समझ गए आप सभी, क्लियर आप सभी को, इसलिए आपको एक अच्छी समझा रहे हैं ताकि आप अगर आंसर भूल भी जाओ तो आप खुद से लिख दो स्टोरी पता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
वाट वॉज द बर्थडे गिफ्ट डैट महाराजा स्पोर्टेड इन ए टॉय शॉप, कौन सा बर्थडे गिफ्ट था जो महाराजा टॉय शॉप पर जाकर लेकर आए थे, क्योंकि जब खेल खत्म हो गया उसने महाराजा ने 99 टाइगर मार दिए तो वह खुश हो गया। उसके बच्चे का बर्थडे था तो वह बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए एक दुकान पर गए और वहाँ से अपने बच्चे के लिए महाराजा ने क्या किया, एक वुडन टॉय ले लिया। कौन सा टॉय, टाइगर, वुडन टाइगर टॉय यानी कि लकड़ी का टाइगर उन्होंने खरीद लिया अपने बच्चे के लिए उसके जन्मदिवस पर, ठीक है, गिफ्ट देने के लिए। और यही जो वुडन टॉय है ना, इनके मृत्यु का कारण बन गया था, क्लियर, क्योंकि ये वुडन टॉय कार बाई ए अनसील्ड कारपेंटर, ये जो आपका वुडन टॉय था ये एक अनसील्ड, जो प्लेन नहीं, प्लेन मतलब कि सिल्क मतलब कि प्लेन एकदम, अनसील्क मतलब कि खुरदुरा, ऐसा टॉय जो खुरदुरा है उसमें से कहीं सीक वगैरह थोड़ा थोड़ा नोक निकला हुआ है, ऐसा उन्होंने लिया था टाइगर का टॉय, ठीक है स्टूडेंट्स। और वही थोड़ा सा सीक उनके कहीं गड़ जाता है और वही घाव पड़ा कर देता है, फिर बाद में महाराजा की डेट हो जाती है उसी वुडन टॉय के कारण, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर की शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है, कुछ दो तीन, बस लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो जब आएगी तो उसमें हम आपको करा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और स्टोरी समझने में आपको कैसे लगी इस वीडियो में हमने आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो इस वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले, ठीक है। और एजुकेशन सस्ते अभी जुड़ जाए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना मिले। और भी दोस्तों चैप्टर्स हमने कवर करा दिए हैं, प्रोस के भी, सप्लीमेंट्री के भी कर दिया है, तो दोनों प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, कुछ भी छूटा हो ना तो कवर जरूर कर लें इन 10 to 12 मिनट्स ईच चैप्टर, क्लियर। वीडियो इन तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।